चार दिन पहले हमारे पास कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा कि यहाँ जो है बेदर्दी के साथ चिनार के दरख्तों को काटा जा रहा है। तो हम वहाँ से पैदल चल के, मेरा बिजनेस यहीं पास में है, तो वहाँ से चल के आए और हमने देखा कि 500 साल पुराने दो चिनार इन्होंने शहीद कर दिए थे और जो इनका जो इनकी जो तलवार थी वो तीसरी चिनार की तरफ जा रही थी। तो हमने सिविल सोसाइटी में बात की, हमने कुछ आर्टिस्ट से बात की, एंटरप्रेन्योर्स जर्नलिस्ट से, हमने कहा भाई ये तो हाई टाइम वी शुड डू समथिंग और इनको रोक लिया जाए, क्योंकि वैसे हम लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं आज, हम लोग सरकारी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम लोग रोड वाइडनिंग या फ्लाईओवर के खिलाफ नहीं है, बट हम ये कहते हैं कि जैसे हर जगह अल्टरनेटिव्स होते हैं, मैं बाहर काफ़ी रहा हूँ, इंटरनेशनली मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, मैंने देखा है बड़े से बड़े इंटरनेशनल हाईवेज जो हैं वो डाइवर्ट किए जाते हैं एक छोटा सा पेड़ बचाने के लिए, और यहाँ पे जब चिनार की बात होती है, चिनार हमारे लिए एक दरख्त नहीं है, पेड़ नहीं है, ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है और ये हमारी पहचान है, ये हमारी सकाफत के साथ कितनी सदियों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि ये जो यहाँ पे PRC के पास दरख्त काटे जा रहे हैं चिनार के, कुछ डाइवर्जन प्लान बना के या इसमें डिवाइडर में एडजस्ट करके कुछ भी हल निकाल के इसको रोक लिया जाए। और अभी यहाँ बैठने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर के जो स्पेशल विंग बैठती है चिनार डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिस के सामने हम जमा हुए हैं ताकि आवाज़ जो है इन तक पहुँच जाए। हमने ज़रीफ़ साहब को दावत दी है, कुछ सिविल एक्टिविस्ट को हमने दावत दिया, यहाँ पर आर्टिस्ट कुछ आर्ट परफॉर्मेंसेज करने वाले हैं, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हमारी जो जंग है तब तक है जब तक एक एक चिनार जो है कश्मीर में प्रिजर्व नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो चिनार का पेड़ बैकग्राउंड में आपके कैमरा में दिख रहा होगा, ये बिल्कुल इनकी जो इनका जो मेन ऑफिस है इसके बगल में है, ये आंगन में है, तो आप देखिए इसकी क्या हालत है, ये लोग इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, सड़क का जो आवारा चिनार है ये उसकी क्या मरम्मत करेंगे, क्या ख्याल रखेंगे।